देखो बेटा, रचना के आधार पर वाक्य भेद हमने पढ़ लिया था कि इसका इंट्रोडक्शन क्या होता है, किस तरीके से बनते हैं, कितने टाइप होते हैं। इसके बेटा कुछ एग्जांपल हमने वहां भी किए थे, लेकिन कुछ उदाहरण यहाँ पर करते हैं। और इसको बोलते हैं बेटा वाक्य परिवर्तन। इसका मतलब है एक वाक्य को दूसरे वाक्य में बदलना होता है। जैसे इसके अंदर क्या है, पहला होता है बेटा सरल वाक्य, मतलब सिंपल सेंटेंस, जिसके अंदर एक ही काम हो, एक ही क्रिया हो, एक ही वर्ब हो। ये मैंने आपको बताया था, जिसको नहीं पता वीडियो देख ले बेटा, पुरानी पुराना लेक्चर देखे। संयुक्त वाक्य जिसके अंदर दो सेंटेंस मिलकर जुड़े हों और पूरे पूरे हों, और पूरे पूरे हों अलग लिखने पर भी। और मिश्र वाक्य का मतलब दो सेंटेंस जुड़े हों, दो वाक्य जुड़े हों, लेकिन अगर उनको अलग अलग लिखूं तो उनका कोई एक का मतलब निकले पर एक का मतलब ना निकले, एक कंप्लीट और एक अनकम्प्लीट। तो बेटा इस तरह के क्वेश्चन आते हैं हमारे एग्जाम्स के अंदर, चेंज वाक्य को परिवर्तित करने, मतलब चेंज द सेंटेंसेस, सेंटेंसेस को चेंज करो, मतलब सरल वाक्य में बदल दो, मिश्र है तो संयुक्त में बदल दो, और सरल है तो उसको संयुक्त बना दो या मिश्र बना दो, इस तरीके से। तो बेटा पहला है मेरे पास, मेरी गाय काली है और खेत में चर रही है, ठीक है। इसके अंदर बेटा ये सरल वाक्य में इसको इसको क्या बनाना है बेटा, सरल वाक्य बनाना है। ये वैसे है क्या एक्चुअली, ये संयुक्त वाक्य है या मिश्र वाक्य है, पहले ये बताओ। हाँ ठीक है, मेरी गाय काली है और वो खेत में चर रही है, ठीक है। गाय खेत में चर रही है, ये भी बात हो गई। मेरी गाय काली है, ये एक बात हो गई। दोनों बातें अपने आप में क्या है, पूरी है। तो बेटा ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि कौन सा वाक्य था, किसमें चेंज करना, ये इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये जानना जरूरी है कि है कौन सा क्यों। और कभी तो तुमको ये पता होगा कि अगले में जो चेंज करते हैं सरल में बनाते हैं, इसमें दो क्रिया दे रखी है, दो वर्ग दे रखी है, गाय काली है, खेत में चर रही है। अब इनको बेटा एक बनाना है, मतलब सिंपल सेंटेंस में क्या होता है, एक वाक्य होता है, क्या होता है, कंप्लीट, एक ही वाक्य होता है। दो वाक्य क्या नहीं होते, क्या होता है बेटा, एक वाक्य होता है। तो उसको क्या बोलेंगे, मेरी गाय काली है जो खेत में चल रही है को मैं बना सकता हूँ। जो बेटा दिमाग में कर चुका है वो कमेंट में डाल ले, ऑफलाइन वाले अपनी कॉपी में लिख लें। बोलो बेटा जल्दी बोलो, बनाया था अभी तुमने, जल्दी बोलो। हाँ, मेरी काली गाय। बहुत बढ़िया, अब आपको नॉलेज बढ़िया हो गई, इसका मतलब ओके कर रहे हो काम को। अगला पढ़ो बेटा, जो व्यक्ति परिश्रमी होते हैं वह अच्छे लगते हैं। जो व्यक्ति परिश्रमी होते हैं वह अच्छे लगते हैं, मतलब परिश्रमी व्यक्ति अच्छे लगते हैं। इसको बेटा क्या बनाना है, सिंपल बनाना है। क्या बनाना है बेटा, सिंपल बनाना। तो बना के दिखा दो जरा, परिश्रमी व्यक्ति अच्छे लगते हैं। वेरी गुड, परिश्रमी व्यक्ति अच्छे लगते हैं। और ये जो वाक्य है वो परिश्रमी, ठीक है बेटा, बहुत बढ़िया। अगला, तोता पिंजरे में है और दाल खाता है, इसे मिश्र में बदलना है। इसमें मिश्र में बदलना है। मिश्र की मैंने कुछ पहचान बताई थी क्या, यदि अगर क्योंकि कि जो, ये सारी चीजें लिखी हो तो मिश्र वाक्य होता है, ठीक है बेटा। और जिसको इसमें भेद नहीं पता फिर से वीडियो देखिए, लेक्चर देखिए। ऑफलाइन वाले बच्चे बेटा बताओ, तोता पिंजरे में है और दाल खाता है, मिश्र वाक्य बनाओ। हाँ, जो लगा दो, जो तोता पिंजरे में है वो दाल खा रहा है, दाल खा रहा है, ठीक है, समझ गए। या तोता जो पिंजरे में है वह दाल खा रहा है, ऐसे भी लिख सकते हो। तोता जो पिंजरे में है वह दाल खा रहा हो, ऐसे भी लिख सकते हो, है ना, ठीक है। और ये भी लिख सकते हो, तोता पिंजरे में है जो दाल खा रहा है, इस तरीके से भी बेटा इसको कर सकते हैं। आई होप बेटा आपको समझ में आया होगा कि कैसे हम सेंटेंसेस को इंटरचेंज करते हैं, और ये टॉपिक इंपॉर्टेंट हो सकता है आपके एग्जाम की दृष्टि से, ठीक है बेटा। ऑलराइट।